हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और टाइम 9 बजने में है 15 मिनट। आज कोई व्लॉग नहीं है, कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, DIY कोई वीडियो नहीं है। आज सिर्फ मैं आपके साथ अपनी थोड़े सी मन की बात शेयर करने वाली हूँ। कल मैं कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ना कहते हैं बहुत ज़्यादा निराश। इवन मुझसे कोई बात भी कर रहा है ना, तो मेरे को उसकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी। मैं अपनी ही दुनिया में मग्न हो गई थी कि क्यों 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 और ऐसा ही क्यों। मैं बहुत सारी YouTube पे वीडियो देखती हूँ। YouTube हम जैसे लोगों के लिए तो है नहीं, मुझे तो पता चल चुका है YouTube मेरे लिए है नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डायरी। जब मैंने ना YouTube चैनल शुरू किया था तो बड़े शौक से मैंने इस डायरी में ना, और आप यकीन नहीं मानेंगे मैं कितनी मेहनत करती थी YouTube, ये सब मैंने ना नोट्स बना रखे हैं कि मैंने यही आपके साथ शेयर कर दिया, ये मुझे शेयर करना है। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस YouTube चैनल पर। और हाँ, हर कोई करता है, ऐसा नहीं है हर कोई नहीं करता है, पर यहाँ पर सिर्फ दो लोग कामयाब हैं। या तो एक जो बहुत बड़े यूट्यूबर, मतलब जिनके घर आलीशान हैं, जिनका बैकग्राउंड वगैरह अच्छा है, और जो इसे खूब खर्च कर सकते हैं, तो वो लोग कामयाब हैं, पैसा लगा देते हैं या कर लेते हैं, वो कामयाब है। या फिर सेकंड, वो लोग कामयाब हैं जो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास होते हैं, जो दिखने में थोड़े से कैसे बताऊं, और जिनका घर वैसा होता है, जो हमारा घर भी ऐसा है, पर मैं कभी आपको पूरा तरीके से नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मुझे आपको इस तरीके से अपना घर दिखाना चाहिए। यानी मैं भी आपको दिखाऊं कि मेरा घर ऐसा है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, तो शायद मेरी वीडियोज़ पर व्यू आ जाए। पर मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आपको घर दिखाऊं तो थोड़ा सा अच्छा हो, दिखने में अच्छा लगे, तब मैं आपको दिखाऊं। मैं अभी इसके लिए प्लानिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत 2 साल मायने रखते हैं। कल मैं इतनी ज़्यादा फ्रेश कि मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट करने जा रही थी, वीडियो यूट्यूब से। आई थिंक मेरी 300-350-400 के आसपास मेरी वीडियोस हो चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं कल सारी की सारी वीडियो डिलीट कर रही थी, और मैं अपना चैनल डिलीट कर रही थी कल। कल मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। कल पूरे दिन यही उधेड़बुन मेरे अंदर चल रही थी। मैं करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आता, मन भारी हो जाता है बातें करते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा क्यों, कहाँ कमी कर रही हूँ। या तो मुझे मेरी कमी पता चले कि हाँ मुझे यहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, ना मुझे मेरी कमी पता है। अपनी तरफ से 100% देती हूँ, फिर भी एक वीडियो पे अच्छे व्यू नहीं आते, एक भी वीडियो पे। समझ नहीं आता क्यों, समझ ही नहीं आ रहा है। शायद मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मुझे ये लगने लगा है। और YouTube हम जैसे लोगों के लिए तो है नहीं, ये भी समझ आ चुका है। जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था ना, तो जिन लोगों ने मुझे कहा था ना कि ये सब हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, आज उनकी बात मुझे सच होती हुई नज़र आ रही है कि हाँ, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है YouTube। यहाँ पे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो YouTube पे आ सकते हैं, जिनका अच्छा बजट है, अच्छा बैकग्राउंड है, वो YouTube पे आ सकते हैं, या फिर जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो YouTube पे आके वो सक्सेस पा सकते हैं। और जो हम जैसे बीच के जो लोग रह जाते हैं ना, उनको YouTube पे जल्दी से सक्सेस, उन्हें YouTube क्या, उन्हें कहीं पे भी जल्दी से सक्सेस नहीं मिलती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता। मैंने TikTok पे भी ऐसा देखा था कि जो हाई फाई क्लास के लोग होते हैं वो फेमस हो रहे हैं, या जो बहुत ही मिडिल क्लास के लोग होते थे वो फेमस हो रहे हैं, जो बीच मिडिल क्लास के जो लोग होते थे उनका कोई वजूद ही नहीं रह जाता। वो वीडियोस पे वीडियोस डालते जाते हैं, लाइक के लिए तरसते रहते हैं, अपने व्यूज़ के लिए तरसते रहते हैं, पर ना तो उन्हें कोई लाइक करता है, ना उनकी वीडियो को कोई वॉच करता है। तो रात को मैं बैठी हुई थी ना, तो अचानक से मेरा लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन ऑन हो गया। पता नहीं कैसे, मैं इतने दिन से ट्राई कर रही थी कि मेरा लाइव स्ट्रीम ऑन हो, ऑन ही नहीं हो रहा था। कल जब मैं डिलीट करने लगी थी अपना सब कुछ चैनल से रिलेटेड, तो वो स्ट्रीमिंग अपने आप ऑन हो गई। सडनली मैं अचंभित हो गई कि ये क्या हुआ। तो या तो ये माता रानी का इशारा है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा इस पर और काम करना चाहिए, शायद मुझे सक्सेस मिल जाए। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे सजेशन दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरी
आपने मेरी वीडियोस देखी होगी या फिर जो कोई मुझे सर्च करता होगा अंकिता नागर से, वो मेरी वीडियोस जाके देखे, मतलब अंकिता नागर जब लिखते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है कि हमने अब तक कितनी वीडियोस डाली है अपने चैनल पर, तो वहाँ जाके देखिए मैंने कितनी वीडियोस डाली हुई हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं एक एक दिन में दो दो वीडियोस डाल दी थी, रात रात जाके वीडियोस बनाती थी। व्लॉगिंग तो मैंने बाद में शुरू करी है, पहले मैं DIYs वीडियो कुकिंग वीडियोस ही डालती थी, तो मुझे पता है। और एक गुजर फैमिली जहाँ पे बहुओं को बेटियों को इतनी फ्रीडम जल्दी से नहीं मिलती है, उन्हें इतनी जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, वो मुझे पता है मैंने कैसे वो परमिशन हासिल करी है, और उसके बावजूद कोई सक्सेस हाथ नहीं है। तो ये मेरे दिल की बात थी, शायद आप समझोगे। अगर आप समझे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कह रही हूँ आपसे, शायद आप लाइक कर दें और कमेंट कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब मत करिए कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं नया सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस चैनल को डिलीट कर दूँगी। बाय बाय।